देखो ये कितना मस्त बंदा है ना। फोन भाई, सो गाइस जैसा कि आप सभी को बताया मैं बाजार आया हूँ। कैसे हो ठाकुर? तो गाइस जैसा कि मैंने बाजार में आती आपको बोला था कि मुझे और कुछ काम भी है। आप ये देख सकते हो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सन के नीचे बिल्कुल। जस्ट दोपहर के 12 बज रहे हैं और धूप बहुत लग रही है गाइस, गर्मी लग रही है, गर्म गर्म भाप लग रही है यहाँ, और मैं रोड के बगल में ही खड़ा हूँ। ये फिलहाल ये इनकी तमन्नी है। हाय गाइस, माय नेम इज हसन अली, आप देख रहे हैं हसन अली व्लॉग। सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बतला दूं, जस्ट मैं सो करके उठा हूँ, सुबह के 9 बज रहे हैं एंड मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि आज के व्लॉग में क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जो भी होगा एकदम बेस्ट होगा, धमाल होगा। ओके सो गाइस देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। ओके सो गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपको बिग हेयर्स रखने का शौक है ना, सो उसके लिए आप तैयार रहना, आपकी आंखों में हेयर्स ऐसे लगेंगे जैसे कि तलवार लगती है। ओके, अगर आपको बिग हेयर्स रखने का शौक है, इन मुश्किलों से गुजरना होगा आपको। जा 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 अहमद। सो गाइस अभी आपने देखा होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। मेरे तीन छोटे भाई हैं, मैं उनको लेने के लिए पहले में ही एक के घर खेल रहे थे, उनको लेने के लिए आया था मैं। वो ये कैसे एक ये और एक ये पहलवान, ये तीनों है। अब चलते हैं घर गाइस। इन्होंने कपड़े वपड़े भी चेंज नहीं किए, कपड़े इनके गंदे हैं। देखो गाइस क्या कर रहा है, यहाँ पे चाय बना रहा है। देखो और एक ये यहाँ पे और एक घर पे आते ही इन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया है। कड़ी चावल थोड़ी है, रोटी खाएंगे अब। चावल तो ही नहीं, चाय। मैं हूँ यहाँ पे ये फिलहाल ये इनकी अम्मी जान है। थोड़ी सी पिएगा चाहिए। कितनी डाल दी तो गाइस मैंने अपने भाइयों को तो बोल दिया कि कपड़े वपड़े चेंज कर लो नहा धोके। सो बट मैं कपड़े वपड़े चेंज नहीं कर रहा हूँ, मेरा हक सबसे पहले बनता है कि मैं कपड़े सबसे पहले चेंज करूँ। सो मुझे करना चाहिए। हाँ सो मैं नहा धो के आता हूँ, कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। ओके और गाइस सो गाइस फाइनली मैं फ्रेश हो चुका हूँ। सो गाइस मैं ठंडे पानी में नहाया हूँ इसलिए ठंडी बहुत लग रही थी, इसलिए मैं सन के सामने खड़ा हूँ धूप में और अच्छा लग रहा है। सो गाइस अब मैं जाऊंगा सीधा बाजार, बाजार मुझे सामान लेना है और मुझे कुछ काम भी है और आप देखना। चलो चलते हैं बाजार, ठीक है। ऑन वाइज सो गाइस जैसा कि आप सभी को बताया मैं बाजार आया हूँ, जस्ट मैं रोड के बगल में खड़ा हूँ। बाजार आते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में एक बात आई, क्यों ना गाइस मुझे सबसे पहले चप्पल लेनी चाहिए। मैंने एक चप्पल देखी थी और बहुत ही पसंद आई, उसका लुक बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो वो चप्पल लेनी है मेरे को और मैं देखता हूँ यहाँ पे वो चप्पल है या नहीं। बहुत अच्छी चप्पल लगी भाई मेरे को तो। सो देखते हैं कोई अच्छी सी शॉप देखते हैं और वहाँ पे चलता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ। ओके
कोई अच्छी शॉप देखता हूँ और वहाँ पे चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कौन सी चप्पल लेता हूँ और कौन सी चप्पल है, ठीक है? कैसे हो ठाकुर? और चप्पल लिख रहा था यार, नंबर तो 7 के लगभग। तो गाइस अभी जस्ट मैं उस शॉप पे गया था, वहाँ पे उस शॉप पे गया, मैंने उनको बोला कि मुझे इस टाइप की चप्पल चाहिए, मैंने उनको दिखलाई, फोटो दिखलाई। सो गाइस उस भाई ने ये बोला जिसकी ये शॉप है 2-3 दिन में चप्पल आएगी फिर ले लेना यहाँ से, ठीक है? बट मेरे को तो अभी चाहिए, मैं देखता हूँ आगे चलता हूँ और लेता हूँ, क्यों नहीं लेनी वही है जौन सी दिल में है, लेनी वही चप्पल है और दूसरी नहीं लेनी है, ठीक है? चलता हूँ आगे। सो गाइस जैसा कि तुम लोग देख सकते हो बैठा हूँ चप्पल की शॉप पे यहाँ पे। सो गाइस मैंने आपको वहाँ पे पीछे ही बोला था कि मुझे वही चप्पल चाहिए जौन सी मैंने चूज़ की हुई है, मुझे यहाँ पे वो चप्पल तो नहीं मिली बट मुझे चप्पल मिली यहाँ पे, आप देख सकते हो गाइस। मैंने यहाँ से इसलिए ली बिकॉज शॉप वाले भैया चप्पल ढूंढ ढूंढ के थक चुके थे, तो मैंने भी यहाँ पे सोचा कि ले ही लेते हैं जब भैया थक चुके हैं यहाँ पे, तो परेशान करना अच्छा नहीं है। मैंने भैया को परेशान किया है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी, तो मैं चलता हूँ। सो गाइस जैसा कि मैंने बाज़ार में आती आपको बोला था कि मुझे और कुछ काम भी है और सब काम कम्प्लीट कर लिया मैंने। सो गाइस आप ये देख सकते हो मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ सन के नीचे बिल्कुल, जस्ट दोपहर के 12 बज रहे हैं और धूप बहुत लग रही है गाइस, गर्मी लग रही है, गरम गरम भाप लग रही है यहाँ, और मैं रोड की बगल में ही खड़ा हूँ तो आप देख सकते हो। और हाँ गाइस मैं यहाँ पे कुछ खा पी भी नहीं सकता हूँ, क्यों नहीं खा पी सकता हूँ वो मैं आपको आगे बतलाऊँगा। अब मैं घर जाऊँगा और आपको बतलाऊँगा कि मैं क्यों कुछ नहीं खा पी सकता हूँ, ठीक है? सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा चलते हैं घर और मिलता हूँ मैं आपको, ओके? और गाइस सो गाइस मैं मस्जिद से घर पहुंच चुका हूँ, आई होप आपने इस वीडियो को फुल एंजॉय किया होगा। और जाओ गाइस सबसे पहले आप ये वीडियो देख के आओ, ओके? आप ये सोच रहे हो कि वीडियो कौन सी है, जाओ आप सबसे पहले ये वीडियो देख के आओ और एंजॉय करो। ऑलराइट सो गाइस जस्ट दोपहर का 1 बज रहा है। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बाजार में बोला था कि मैं आज ना तो कुछ खा सकता हूँ ना पी सकता हूँ बिकॉज मैं रोजे से हूँ। सो गाइस आज है 9 रमजान और अभी तक के जितने भी इस रमज़ान के रोज़े गुजरे हैं माशाल्लाह मैंने वो सारे के सारे रखे हैं, और आगे भी दुआ है कि इंशाल्लाह इस पूरे मंथ के पूरे रमज़ान के रोज़े में रखूं। सो गाइस आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना कि मैं इस रमज़ान के पूरे मंथ के रोज़े रखूं, ओके? सो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं रोज़े से हूँ, सो मुझे जाना है मस्जिद, मस्जिद इसलिए जाना है बिकॉज मुझे वहाँ पर कुरान पाक पढ़ना है। गाइस मैंने सुबह से कुरान पाक पढ़ा ही नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हुआ वरना मैं सुबह में भी कुरान पाक पढ़ता हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, ठीक है? थोड़ा आप लोगों को भी दिखाऊंगा और फिर वहाँ पे कुरान पाक पढ़ते पढ़ते जोहर की नमाज़ का टाइम हो जाएगा, जोहर की नमाज़ पढ़ूंगा और फिर जोहर की नमाज़ के बाद भी मैं कुरान पाक पढ़ूंगा और फिर मैं घर आऊँगा और फिर आपसे मिलूँगा, ओके? सो चलो चलते हैं सबसे पहले मस्जिद, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस कुरान पाक पढ़ने के लिए। सो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ मस्जिद और देखते हैं, गेट बंद कर देते हैं वरना डॉग वगैरह आ जाते हैं। अब वजू करते हैं, रमजान में भाई सभी रोजे रखो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है? आप पे रोजा अगर फर्ज है तो आप रोजे रखो, ओके? रोजा रखना चाहिए यार, अल्लाह ने हमको ये रमजान दिया है हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए। सो रोज़े रखो बरो, जितना हो सके नेक काम करो, गलत कामों से बचो, ओके? मेरा यही काम है गाइस क्या लोगों को सही बातें बतलाऊँ, अच्छी बातें बतलाऊँ, सो मैं आपको बतला रहा हूँ, जितना हो सके आगे बतलाता रहूँगा। सो मैं वज़ू करता हूँ और मिलता हूँ आपको आगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح حجر مكة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبل وفي شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسؤولون سورة بني إسرائيل مكية بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصائبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقذ فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا سورة أنبياء مكية بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ ضرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتحتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبل لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة فآتوا الزكاة فاعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. سبسكرايب کرو برو یار आप लोग यार सब्सक्राइब ही तो नहीं करते हैं. सब्सक्राइब करो प्लीज सब्सक्राइब किस किस पे बोलो सब्सक्राइब. सो गाइज अब मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत कम है. सुबह से मैंने चार्जर नहीं लगाया है सिर्फ रात लगाया था. सो गाइज अब लगाता हूँ मैं अपने फ़ोन को चार्ज पे और मिलता हूँ मैं आपको एक से डेढ़ घंटा बाद. ठीक है. वन आवर लेटर. ओके सो गाइज मैंने फोन चार्जर से निकाल लिया है. इतनी तो बैटरी हो ही गई है इससे वीडियो शूट हो जाए. अब मैं जाऊंगा गाइज घर की छत पे. ये देख सकते हो आप गाइज टाइम क्या हो रहा है शाम का. सो गाइज अब मैं जा रहा हूँ छत पे इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज जो मेरे छोटे भाई है ना छोटे छोटे भाई जो मैंने आपको सुबह के टाइम दिखलाए थे वो वहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं. तो मैं दिखाता हूँ उनको और थोड़ा सा मैं भी एंजॉय कर लूँगा उनके साथ. देखते हैं चलो चलते हैं छत पे. सो गाइस ये उड़ा रहे हैं यहाँ पे पतंग आप देख सकते हो. और ये पतंग इनकी छोटा गला फंस गया पतंग वहां पे फंस चुकी है. अब उसको छुटाने के लिए जा रहा है वो. मैं जब छोटा था ना गाइस मैं जब पतंग उड़ाया करता था और ये मुझे देखा करते थे बैठ करके. मैं इनको पतंग नहीं उड़ाने देता. और ये देखो गाइस यहाँ पे ये मेरा सबसे छोटा भाई है. ये क्या करता है ना ये ऐसे ही बैठा रहता है. ये इन दोनों के साथ रहता है इसके और उसके.
इन दोनों के साथ रहता है और ऐसे ही बैठा रहता है, कुछ काम भी नहीं करता, बस पीछे पीछे रहता है इनके, जो भी काम ये करते हैं उसी के साथ साथ होता है बस ये। पता। देखो भाई पतंग ये दोनों उड़ा रहे हैं यहाँ पे, ये और ये, और ये ऐसे ही बैठा देखता रहता है कि ये क्या कर रहे हैं। असद असद मन लग रहा, मन लग रहा, जी लग रहा, जी लग रहा, लग रहा पूरा जी लग रहा। लो गाइस इससे पूछ लो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा भाई तू, इसमें क्या है पाँव में, कहाँ पे क्या है इसमें ना, हाँ इसमें, यहाँ यहाँ क्या है, यहाँ कागज, इसमें पाँव में कागज है, हड्डी नहीं है। अरे बोल रहा भाई इसमें क्या है, हड्डी है या वो है कागज है, बजरी, इसमें पाँव में, यहाँ पे पत्थर है इसमें, यहाँ इसमें, अच्छा जी मतलब हड्डिया नहीं है इसमें ना। ये देखो गाइस इनकी पतंग में कितनी डोर है, इनकी पतंग के लिए डोर कितनी है, ए यहाँ से ये, और ये है सामने इनकी पतंग, यहीं पे ये बस फोन में दूर दिख रही है लेकिन इतनी दूर है नहीं, ये इनकी टोटल डोर है इस पतंग के लिए। देख सकते हो, छोड़िए एक मिनट छोड़िए, ये टोटल डोर है, देखो गाइस वो सामने पतंग है और ये टोटल डोर इनकी, ये वाली छत है ना सामने, ये वाइट कलर की, इसके ऊपर जाती है सिर्फ इनकी पतंग, इससे आगे नहीं जाती है। सो गाइस मुझे तो अभी से ही आज के रोज़े में भूख प्यास लगने लगी है, वरना मैं रोज़े रखता हूँ रोज़ाना, मुझे भूख प्यास नहीं लगती, बट आज मुझे भूख प्यास लग रही है पता नहीं क्यों। रोज़े तक के सब्र तो करना ही पड़ेगा, ऊपर वाले का साथ तो लेना ही पड़ेगा, सो सब्र करते हैं रोज़े तक। चलो मिलता हूँ मैं आपको कुछ टाइम बाद, देखते हैं अगर मुझे कुछ अच्छा दिखता है ना गाइस तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ओके ऑल गाइस, सो गाइस हमने असर की नमाज़ी पढ़ ली है और अब देखो हम कहाँ पे है गाइस, हमें यहाँ पे, ये जगह देखने में कुछ लग सी है अजीब सी है कुछ जगह देखने में, बट यहाँ पे जो मज़ा आता है खेलने में, हम क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे, वो अलग ही लेवल है गाइस। ये सामने की दीवार है, सिर्फ यहाँ पे हम चौके चौके खेलते हैं, इधर का चौका उधर का, और जहाँ पे सिक्स लग जाता है जोन सी दीवार पे वो बंदा उठ जाता है। अरे देखो ये कितना मस्त बंदा है ना। अब हम यहाँ पे खेलेंगे और एंजॉय करेंगे, कभी कभी बट हम यहाँ पे कभी कभी खेलते हैं, एंजॉय बहुत आता है यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे खेलते हैं और मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ा, और फिर अफ्तारी के लिए चले जाएंगे हम यहाँ से। तेरे फैन ये सारे ही कट गए कि कैमरा बंद करवा ले। ओके
ओके सो गाइस अफ्तारी का टाइम हो चुका है, अफ्तारी में सिर्फ 2-3 मिनट बाकी है, अब अफ्तारी करते हैं। और ओके सो गाइस अफ्तारी भी हो चुकी है, जस्ट मैं मगरिब की नमाज पढ़ के मस्जिद से घर आया हूँ। सो गाइस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर आप ये वो लोग फेसबुक पे देख रहे हो यूट्यूब पे जाओ हसन अली भाई सर्च करो और सब्सक्राइब करो ब्रो, भाई का चैनल सब्सक्राइब करो यार। आपका भाई इतने दिनों से वीडियोस बनाता है लेकिन आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप कहाँ हो यार अभी तक। सो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो फिर भी आप सब्सक्राइब कर लो भाई, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो अकाउंट को फॉलो करो, हसन अली को फॉलो करो, करो ब्रो करो यार, आपकी सपोर्ट चाहिए। सो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।